फोटोशॉप के ऊपर एक और कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, जिसका नाम है कॉन्टेक्स्ट शीट कैसे काम करता है। कॉन्टेक्स्ट शीट के ऑप्शन को हम इस तरह यूज कर सकते हैं कि हम मल्टीपल फोटोज को एक ही पेज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि हमें कितने फोटोज रिक्वायर्ड है, तो उस हवाले से पहले हम उन फोटोज को कलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से मैं आ गया हूँ यहाँ डॉक्यूमेंट्स में, और मैं एक जैसी कॉन्फ़िगरेशन के 8 फोटोज ले लेता हूँ। यहाँ से मैंने क्लिक किया लेटेस्ट पर, और एक जैसे 8 फोटोज मुझे मिल जाते हैं। सपोज टू बी ये वाले 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, ये 8 फोटोज एक ही साइज के मैंने ले लिए, इनको कॉपी किया। मैंने यहीं पर ही फोल्डर बना लेता हूँ सपोज टू बी कॉन्टेक्ट शीट के नाम से। ठीक है, और कॉन्टेक्ट ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक अच्छी बात ये है कि मैं एक काम ये भी कर सकता हूँ कि जो फोटोज मैंने यहाँ पर अटैच किए हैं 8 के 8, उनको मैं व्यू यहाँ से लॉग आउट कर सकता हूँ और यहाँ पे क्लिक करके इनके नाम भी रख सकता हूँ। जैसे इसका नाम मैंने रख दिया मारिया, इसका नाम मैंने रख दिया एनाबेल। ठीक है, इसका नाम मैंने रख दिया प्रशिक्षण। ठीक है, इसका नाम मैंने रख दिया कैमरॉन, इसका नाम मैंने रख दिया फॉक्स, और इसका नाम मैंने रख दिया इमेल। ठीक है, ये मैंने इनके नाम भी रख दिए, और यहाँ पर मैंने रख दिया सपोर्ट भी, इसका नाम मैंने रख दिया एक्सेल, और इसका नाम मैंने रख दिया सपोर्ट भी एलिजिबल। ठीक है, एलिजिबल मैंने इसका नाम रख दिया। तो इनके नाम भी मैंने इनके साथ टाइप कर दिया। अब फोटोशॉप में आ रहा हूँ, मैं फाइल में जा रहा हूँ और यहाँ से मैं क्लिक कर रहा हूँ ऑटोमेटिक और कॉन्टेक्ट शीट टूल का ऑप्शन ले रहा हूँ। यहाँ से क्लिक करके मुझसे कह रहा है कि आप बताइए कि जो आपके फोटोज हैं वो अलग अलग आप चूज करेंगे, अलग अलग चूज करेंगे मतलब एक एक करके ऐड कराएंगे। मतलब मैं ब्राउज करूँगा यहाँ से, और वो जो फोटोज हैं जहाँ भी वो रखे हुए होंगे फिर मुझे वहाँ से एक एक करके चूज करने होंगे। मतलब जैसे यहाँ से एक चूज करूँगा, फिर उसको ओके करूँगा फिर वो ऐड हो जाएगा, फिर दूसरा चूज करूँगा और उसको ओके करूँगा फिर वो ऐड हो जाएगा। सही, फिर जो मुझे नहीं रिक्वायर्ड है यहाँ से रिमूव कर दूंगा। ठीक है, अच्छा ये तो मैं एक एक करके चूज करूँगा। अगर मैं यहाँ से ऑप्शन ले रहा हूँ फोल्डर का, अब फोल्डर का जब ऑप्शन दूंगा तो फिर मुझे एक एक चूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर मैं यहाँ से डॉक्यूमेंट्स में जा रहा हूँ, यहाँ क्लिक करके लेटेस्ट में वो फोल्डर मैं बता दूंगा ये वाला फोल्डर है। ठीक है, और उसको सेलेक्ट कर, तो उसके अंदर के सारे फोटोज ही ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। और अगर मैं इधर भी चेक लगा दूंगा तो उसके अंदर के भी सारे फोटोज जो है वो ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई ये जो तुम बना रहे हो इसको कैसे बनाओगे, डॉक्यूमेंट का साइज़ क्या होगा। तो मैंने उसको बताया कि भाई मेरा डॉक्यूमेंट होगा 6 इंच की विड्थ होगी और 4 इंच उसकी हाइट होगी। तो कह रहा है इंचज में उसकी हाइट बता दो। फिर बोल रहा है कि इसकी रेजोल्यूशन कितनी रखनी है। मैंने कहा चलो 300 रख लीजिएगा रेजोल्यूशन। प्रोफाइल कलर होगी मॉड RGB होगा, बिट डेट एट होगा, ये तो उसका साइज आएगा। अब ये कह रहा है भाई उसके अंदर कितने कॉलम्स और कितने रोज बनाने। अब मेरे पास है 8 फोटोज, और 8 फोटोज में मैं बनाऊंगा उसमें 2 कॉलम्स। ठीक है, 2 कॉलम्स नहीं, आई थिंक तो कॉलम बनेंगे 4 कॉलम, वेरी गुड, और 2 रोज बनेंगे। ठीक है, 2 रोज बना के मैं इस तरह से रख दूंगा। और कह रहा है कि भाई क्या फाइल का नाम भी शो करना है नीचे। अगर फाइल का नाम भी शो करवाना है फोटोज के नीचे तो यहाँ पे चेक लगाएं, और अगर नहीं करवाना तो यहाँ से चेक हटा दें। और रोटेट फॉर बेस्ट फिट, अगर कोई फोटो सही एडजस्ट नहीं हो रहा तो उसको रोटेट करके भी लगा दे तो वो खुद ही उसको घुमा के लगा देगा। ठीक है, ताकि उसको फिट कर ले। जैसे कुछ फोटोज इस तरह से होते हैं पोर्ट्रेट और कुछ लैंडस्केप होते हैं, तो रोटेशन में क्या होगा, या तो वो इसको ऐसे कर देगा या फिर वो इस वाले को ऐसे पोर्ट्रेट कर देगा। तो यहाँ पे हम इसको चेक लगा देंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करने का, जैसे हम इसको ओके करेंगे तो आप देखेंगे ये खुद से इस काम को करने में लग जाएगा। ये देखिए इसमें 8 अलग अलग फोटोज उसी कार्ड में, जिसका साइज हमने क्या रखा है नोट करने 6x4 300 की रेजोल्यूशन में फिट करके दे दी। सही है, करेक्ट। ठीक है, अब इसमें आप 8 भी लगा सकते हैं, आप इसमें 8 भी लगा सकते हैं, आप इसमें 16 भी लगा सकते हैं, साइज आप अपने हिसाब से रख लें, 32 भी लगा सकते हैं। तो जितने फोटो लगाएंगे इसको ये साइज कौन सा होगा, हो
पशु जैसा हमने बना के देंगे ना, मतलब आप समझे, अगर हमने पशु को पासपोर्ट साइज बना के रखे हुए हैं 2x3 में, तो ये वैसे ही लगाएगा ना। अब ये फोटोज के साइज 2 थे, ये उसी साइज में लगा दिए बस। हाँ, जो फोटोज हम पहले पासपोर्ट साइज बना के रखेंगे, 1.5x2 का फोटो बना के रखेंगे, 8 फोटो, तो एक ही शीट में 8 बना देगा इस तरीके से, कॉन्टेक्ट शीट। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से फाइल में जाके इसको हम सेव कर देंगे PNG के अंदर। तो यहाँ से क्लिक करेंगे सेव ऑन कंप्यूटर, और ये हो गया, हम डॉक्यूमेंट्स में गए।